हाय एवरीवन, वेलकम टू मानदेस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रार्थना समाज के बारे में, यानी प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की और प्रार्थना समाज ने हमारे जो भारतीय इतिहास में क्या क्या योगदान दिया उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आपका केशव चंद्र सेन ने। तो प्रार्थना समाज की स्थापना क्या है? आपका ब्रह्म समाज एवं क्या है आपका केशव चंद्र सेन। ये आपका केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से कब हुआ था? 1867 में। क्या है आपका आपका बंबई में हुआ ना। कब हुआ आपका? कौन से सन में हुआ आपका? 1867 में। कहाँ? बंबई में हुआ। तो आपका प्रार्थना समाज की स्थापना किसके सहयोग से? ब्रह्म समाज एवं क्या है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। क्या आपका 1867 में कहाँ हुआ आपका? बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। अब हम देखते हैं इसका जो उद्घाटन किसने किया था, जो आपका ब्रह्म समाज का जो है ना उसका उद्घाटन किसने किया था आपका? इसका उद्घाटन आत्माराम पांडुरंग। किसको याद रखेंगे आप? आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में इसका क्या है उद्घाटन हुआ था, ये ना के नेतृत्व में हुआ था। और इसके जो प्रमुख नेता कौन कौन थे आपका प्रार्थना समाज के जो प्रमुख नेता, जो इस समाज को चलाने वाले, प्रार्थना समाज को चलाने वाले जो इन्होंने अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया, वे लोग कौन थे आपका? थे आपका आर जी भंडारकर और क्या है रानाडे, फिर क्या आपका गोखले हो गया, इन चंदा वर्कर आदि थे। तो इन सभी लोगों ने मिलकर क्या है प्रार्थना समाज को चलाने में अपना महत्वपूर्ण क्या है योगदान दिया। उसके बाद ये प्रार्थना समाज के क्या है आपका धार्मिक, क्या आपका प्रार्थना जो आपका प्रार्थना समाज से क्या है धार्मिक हो गया, आपका सामाजिक हो गया और क्या है राजनीतिक विचार एवं कार्य क्या निम्नलिखित है, यानी जो प्रार्थना समाज ने अपने समय में क्या क्या कार्य किया, धार्मिक हो गया, राजनीतिक हो गया, इन सब से मिलकर क्या प्रार्थना समाज ने जो जो इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण कार्य किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो है आपका धार्मिक विचार। सबसे पहले देखते हैं हम कि जो आपका प्रार्थना क्या समाज के जो लोग थे उनके क्या क्या धार्मिक विचार थे इसके बारे में देखते हैं। देखिए, प्रार्थना समाज ने कभी अपने को क्या है परंपरागत, यानी प्रार्थना समाज ने कभी अपने को क्या है हिंदू धर्म, क्या आपका हिंदू धर्म से अलग नहीं माना। यानी इसके पीछे क्या कारण था, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, कि जो आपका जो प्रार्थना समाज के लोग हैं ना वो क्या है हिंदू धर्म को बहुत आगे ले जाने एवं हिंदू धर्म को अपना तो मानने और क्या हिंदू धर्म से कभी भी अपने आप को अलग नहीं समझा। तो ये थे समाचार क्या है, ये थे आपके प्रार्थना समाज का समाज क्या प्रमुख क्या है इसके पीछे कारण था। तो ये धर्म से अलग नहीं माना इन्होंने, क्या है आपको हिंदू धर्म से कभी अलग नहीं माना प्रार्थना समाज ने। और क्या समाज ने एक ब्रह्मा की उपासना, किसकी उपासना, प्रार्थना समाज ने एक क्या है आपका ब्रह्मा की उपासना पर भी जोर दिया। और क्या किया, आडंबरों हो गया आपका तथा पुरोहितवाद हो गया का भी विरोध किया। देखिए, प्रार्थना समाज ने किस किस का विरोध किया, देखिए प्रार्थना समाज ने के समाज में फैली व्याप्त बुराइयों आडंबरों एवं क्या पुरोहितवाद को क्या है उन्होंने का विरोध किया, किसने किया आपका प्रार्थना समाज ने। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम सामाजिक सुधार, इन्हें जो प्रार्थना समाज में कौन कौन से सामाजिक सुधार हुए, कौन कौन से कार्य हुए, किन सुधारों के अंतर्गत इन्होंने समाज को आगे की ओर दिशा बताई, इसके बारे में देखते हैं प्रार्थना समाज में। तो सामाजिक सुधारों पर जोर दिया। देखिए, अब इन्हें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो समाज प्रार्थना समाज ने क्या है सामाजिक सुधारों पर क्या अपना प्रमुख महत्वपूर्ण बल दिया। और क्या है ये वर्ण या जाति किसी भी आधार पर विभेद का क्या विरोधी थे। आज जो पहले समय में होता क्या था, लोग क्या जातिवाद से बहुत ज्यादा ग्रस्त है, यानी वो क्या निचले जो जातिवाद रहते थे उसको निम्न मानते थे। तो प्रार्थना समाज क्या इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने क्या कहा वर्ण या जाति, ये देखिए ना वर्ण या जाति किसी भी आधार पर क्या है विभेद का विरोधी और क्या है सामाजिक समानता का क्या है समर्थन क्या आपका आपका प्रार्थना समाज ने किया। अब उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं अंतर जाति विवाह, उन्होंने किस किस पर विरोध किया अपने समाज सुधार में जो कार्य किया, वह आपका अंतर जातीय विवाह, यह आपका ना अंतर जाति मतलब जो अदर कास्ट पे में युवाओं और युवती में क्या विवाह पर बल दिया। तो ये अंतर जाति विवाह हो गया, फिर क्या है विधवा विवाह हो गया, फिर स्त्री शिक्षा यानी जो वुमेन एजुकेशन पर भी इन्होंने प्रार्थना समाज ने महत्वपूर्ण क्या है अपना कार्य किए। तो इन्होंने स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की दशा यानी जो उस समय की स्त्री दशा सुधारने पर बल दिया।
तो ये थे प्रार्थना समाज के इम्पोर्टेंट फैक्ट। इस प्रार्थना समाज ने क्या क्या कार्य किया, आपका कि स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रियों को शिक्षा दिलवाना, स्त्रियों की शिक्षा की शिक्षा और जो स्त्रियों की उस समय जो दशा थी उस सुधारने का पूरा प्रयास किया। देखिए हमारे जो भारतीय समाज में है ना, उस समय बहुत ही प्रचलित रूढ़ी वाली थी कि स्त्रियों को अधिक शिक्षा नहीं दिया है, स्त्रियों को क्या पर्दा प्रथा में रखा जाए, स्त्रियों को क्या है घर से बाहर ना निकल जाए। तो इन सब पर क्या प्रार्थना समाज ने क्या अधिक जोर और बल दिया कि हमें स्त्रियों की शिक्षा पर भी अधिक जोर देना चाहिए और हमें स्त्रियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। तो ये थे प्रार्थना समाज के कार्य। और इसने क्या है जाति हो गया, इसने जाति भेद अस्पृश्यता की निंदा की। देखिए अब तो उस समय जो आपका पुरानी पुरानी प्रचलित रीति थी कि जो पुरानी रीति रिवाजों के अनुसार क्या है, यानी कि छुआछूत, मतलब उस समय क्या है जो भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा के वर्ग था जो क्या है छुआछूत को बहुत ज़्यादा मानते थे, यानी कि जो हमसे जो निचली जाति है हम उनके घर का पानी या अन्न या भोजन या उनसे दूर रहे, तो यह है क्या अस्पृश्यता, यानी अस्पृश्यता की निंदा की किसने की आपका प्रार्थना समाज ने, कि उस समय समाजों में क्या है बहुत ज़्यादा क्या है आपका निचली जाति उच्च जाति ये सब उच्च निम्न भेदभाव थे, तो यही अस्पृश्यता को दूर करने के लिए प्रार्थना समाज ने महत्वपूर्ण कार्य किए। तो उनकी निंदा की और क्या दलितों हो गया पीड़ितों के लिए, जैसे कि उस समय दलित व्यक्ति होते थे और क्या पीड़ितों के लिए भी क्या है इन्होंने दलित जाति या आपका दलित जाति मंडल, कौन सा आपका दलित जाति मंडल एवं क्या है समाज सेवा की स्थापना की, किसने की आपका प्रार्थना समाज ने दलित वरों की स्थापना, ये क्या है दलित जाति मंडल, कौन सा स्थापना की आपका दलित जाति मंडल एवं क्या समाज सेवा, क्या आपका समाज सेवा की स्थापना, समाज सेवा की स्थापना की। और नेक्स्ट पढ़ते हैं इसने विधवा विवाह, मैंने जो उस समय जो पुराने समय होते थे कि विधवा अगर कोई महिला विधवा होगी तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता, लेकिन प्रार्थना समाज में क्या है विधवा क्या गृह, ये आपका ना आपका इसने क्या विधवा गृह, फिर अनाथालय और क्या परित्यक्त, क्या जो बच्चों को समय क्या छोटे बच्चों को त्याग देते थे उसको परित्यक्त करते थे, परित्यक्त शिशु भवन स्थापित किया। तो ये थे क्या इसने क्या क्या विधवा गृह हो गया आपका अनाथालय हो गया और क्या परित्यक्त शिशु क्या है आपका आपका भवन स्थापित किया। तो ये थे आपका प्रार्थना समाज समाज क्या समाज सुधार में बहुत बहुत बड़ा अपना महत्वपूर्ण योगदान था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं शैक्षणिक कार्य, अब जो कि प्रार्थना समाज ने कौन कौन से शैक्षणिक कार्य किए इसके बारे में देखते हैं। इन्होंने दक्कन क्या इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, कौन सा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी सोसाइटी की स्थापित किया। और इसने क्या है इसने क्या है पुस्तकालय हो गया और क्या है काम पुस्तकालय हुआ, कामकाजी लोगों के लिए क्या है रात्रिकालीन, ये रात्रिकालीन क्या है पाठशाला भी स्थापित किए, किसने किया आपका प्राथमिक समाज। लेकिन इन्होंने शैक्षणिक कार्य में क्या प्रारंभ किया प्राथमिक समाज ने, देखिए इन्होंने क्या है दक्कन क्या है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी स्थापित किया और क्या किया और पुस्तकालय, यानी जो लोग हैं उनको लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने की सुविधा दी जाए तो पुस्तकालय स्थापित किया। और क्या जो कामकाजी लोगों के लिए, जो लोग भी काम करने के बहुत शौकीन थे उस समय प्राचीन भारत में, तो क्या है आपका रात्रिकालीन क्या है आपका पाठशाला, यानी जो रात के समय जो विद्या अध्ययन करते हैं या पाठशाला भी स्थापित किया। तो ये थे आपका प्रार्थना समाज के शैक्षणिक कार्य। उसके बाद राजनीतिक योगदान, जो प्रार्थना समाज के लोगों ने कौन कौन सी राजनीतिक योगदान दिए इसके बारे में पढ़ते, उन्होंने यानी किन लोगों ने प्रार्थना समाज के लोगों ने क्या है राजनीति आपका राजनीतिक कार्यकर्ताओं को क्या है एक मंच पर क्या प्रार्थना समाज ने क्या किया राजनीतिक जो कार्यकर्ताओं को क्या है एक मंच पर लाने हेतु क्या है आपका सभाओं हो गया एवं संस्थाओं हो गया का गठन किया, किसने किया आपका प्रार्थना समाज ने क्या क्या गठन किया राजनीतिक हो गया कार्यकर्ताओं को जो राजनीति संबंधित जुड़े जो भी कार्यकर्ता होते थे उनको क्या एक मंच पर लाने के लिए क्या सभा एवं संस्थाओं का क्या गठन प्रार्थना समाज ने किया, जिसमें क्या है आपका पूना सार्वजनिक, ये ना आपका पूना सार्वजनिक सभा, ये आपका पूना सार्वजनिक सभा का नाम विशेष उल्लेखनीय प्रार्थना समाज में क्या है आपका पूना सार्वजनिक सभा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। तो हम इसमें देखते हैं प्रार्थना समाज ने सबसे पहले महाराष्ट्र में कहाँ आपका महाराष्ट्र में हिंदू समाज क्या आपका महाराष्ट्र में हिंदू समाज में सुधार लाने के लिए कहाँ किया प्रार्थना समाज ने सबसे पहला कार्य महाराष्ट्र में जो हिंदू समाज के लोग थे उनमें सुधार लाने के लिए क्या है सबसे सफल प्रयास किया, ये है आपका प्रार्थना समाज की सफलता में क्या सफलता में रानाडे, यानी किसकी आपका महादेव गोविंद रानाडे की महत्वपूर्ण भूमिका थी, किसको प्रार्थना समाज को क्या सफल बनाने ना। अब हम महादेव गोविंद रानाडे के बारे में पढ़ते हैं,
कि जो महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना क्या क्या प्रमुख योगदान दिया, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, रानाडे यानी जो महादेव, आपने क्या है आपका महादेव गोविंद रानाडे ने पश्चिमी भारत यानी वेस्टर्न इंडियन के अग्रणी समाज, क्या है आपका अग्रणी समाज सुधारक थे। इसके आपका पश्चिमी भारत, रानाडे क्या है पश्चिमी भारत के अग्रणी समाज सुधारक थे। रानाडे आपका महादेव गोविंद रानाडे का मानना था कि सामाजिक आपका समाज सुधारों के बिना, किनका मानना था, महादेव गोविंद रानाडे ये मानते थे कि सामाजिक सुधारों के बिना बिना आर्थिक व राजनीतिक, क्या आपका आर्थिक व राजनीतिक उन्नति संभव नहीं है। ये किसका कहने का है, ये आपका महादेव गोविंद रानाडे का कहना है कि जो आपका है ना आर्थिक आर्थिक व राजनीति किसके बिना, आपका ये समाज जब तक कोई समाज सुधारा नहीं जाएगा तो उस समाज की क्या आर्थिक व राजनीति क्या है उन्नति संभव नहीं है। ये किसने कहा था, आपका महादेव गोविंद रानाडे ने। उसके बाद रानाडे के प्रवेश, आपका रानाडे के प्रवेश से प्रार्थना समाज, ये जो संस्था है ना प्रार्थना समाज को नई शक्ति, क्या है नई शक्ति मिली, क्या मिली आपको नई शक्ति मिली, और उन्होंने अपना जीवन क्या है प्रार्थना समाज के उद्देश्यों को क्या है आपका आगे बढ़ाने के में लगा दिया। किसने लगा दिया, महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की उन्नति के लिए क्या है आपका आपका प्रार्थना समाज के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दिया। वे विधवा पुनर्विवाह, अब जो रानाडे है ना वे क्या है विधवा पुनर्विवाह हो गया, विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक हो यानी जो क्या है उनके संस्थापकों में से एक थे। उन्हीं के प्रेरणा से क्या है डक्कन या है ना डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की क्या स्थापना हुई, किसकी मतलब सम्मति से, आपका महादेव गोविंद रानाडे की सम्मति से विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापकों में से एक है, और उन्हीं की प्रेरणा से क्या दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की क्या है स्थापना हुई थी। अब इन्होंने 1887 में कब 1887 में इंडियन नेशनल कौन आपका इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस कौन सा की स्थापना की, आपका इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस की स्थापना की, किसने आपका रानाडे ने। इनके प्रयासों से ही क्या है पूना सार्वजनिक सभा यानी किसके प्रयासों से, आपका महादेव गोविंद रानाडे की प्रयासों से ही क्या है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई ना। उसके बाद रानाडे ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या है स्थापना भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये थे हमने क्या है इसके बारे में बताऊँ रानाडे ने यानी क्या इसने महादेव गोविंद रानाडे ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या स्थापना में क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये थे हमने प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ा, और एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं प्रार्थना समाज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि जो आपका प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, किन लोगों ने मिलकर की, तो आपको पता होना चाहिए ब्रह्मा समाज एम केशव चंद्रसेन एम आत्माराम पांडुरंग ने मिलकर बंबई में कब स्थापना की थी 1867 में क्या प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। तो पढ़ते हैं प्रार्थना समाज में स्थापना क्या है ब्रह्म समाज एवं केशव चंद्र सेन की, किसकी प्रेरणा से आपकी केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से क्या है आपका 1867 में बंबई में हुई ना बंबई में, इसका उद्घाटन किसने किया था आपका आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में प्रार्थना समाज का क्या है आपका उद्घाटन हुआ। इसके जो प्रमुख नेता कौन थे आपको प्रार्थना समाज के, आर जी भंडारकर, कौन थे आपका आर जी भंडारकर हो गया आपका, क्या आपका महादेव गोविंद रानाडे हो गया, गोखले हो गया, चंदवारकर हो गया, कौन हो गया आपका चंदवारकर हो गया। तो आदि सभी ने तो ये सभी नेताओं ने मिलकर क्या प्रार्थना समाज को आगे बढ़ाया, और प्रार्थना समाज क्या है आपका प्रार्थना समाज के धार्मिक सामाजिक क्या प्रार्थना समाज के आपका धार्मिक सामाजिक राजनीतिक विचार एवं कार्य के आगे बढ़ाते हुए इन्होंने इन क्या है प्रार्थना समाज में इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य किए। इसको देखते हैं धार्मिक विचार, प्रार्थना समाज ने कभी अपने को क्या किसने प्रार्थना समाज ने कभी भी अपने को परंपरागत हिंदू धर्म से अलग नहीं माना, यानी कहने का ये रीजन है कि ये जो समाज था ये हमेशा हिंदू धर्म से लगाव जुड़ाव बनाना चाहता था, तो ये इन्होंने कभी भी अपने आप को हिंदू धर्म से अलग नहीं माना। और ये क्या है समाज ने एक ब्रह्मा की उपासना, क्या आपका समाज ने एक ब्रह्मा की उपासना पर जोर दिया कि हमें समाज में एक ब्रह्मा की उपासना करना चाहिए, तो इस पर जोर दिया। और आडम्बरों क्या है जो उस समय पुरानी रूढ़िवाद थे आडम्बरों तथा पुरोहितवाद का भी क्या है प्रार्थना समाज ने विरोध किया। उसके बाद है सामाजिक सुधार, यानी क्या प्रार्थना समाज ने कौन कौन से समाज सुधार किया, तो इनमें देखते हैं सामाजिक सुधारों पर
क्या प्रार्थना समाज ने बहुत अत्यधिक जोर दिया, उन्हें क्या वर्ण या जाति, क्या वर्ण या जाति, क्या वर्ण या जाति किसी भी आधार पर, किसी भी आधार पर विभेद का क्या है विरोधी, विरोधी और क्या है सामाजिक सामाजिक समानता का समर्थन किया। उसके बाद अंतर जातीय विवाह क्या है आपका, अंतर जातीय विवाह, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा तथा स्त्री दशा सुधारने पर क्या प्रार्थना समाज ने बल दिया। इसने जाति भेद की अस्पृश्यता की निंदा की तथा दलितों पीड़ितों के लिए क्या है आपका दलित जाति मंडल एवं समाज की स्थापना की। इसने विधवा विधवा गृह हो गया, अनाथालय हो गया और परित्यक्त शिशु भवन स्थापित किए। तो ये थे प्रार्थना समाज के क्या समाज सुधार। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं शैक्षणिक सुधार, यानी इन्होंने क्या आपका किसने प्रार्थना समाज ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापित किया और क्या किया भी आपका इन्होंने पुस्तकालय खुलवाया, कामकाजी लोगों के लिए क्या रात्रिकालीन पाठशाला भी स्थापित किया। तो ये थे आपके क्या प्रार्थना समाज के शैक्षणिक सुधार। उसके बाद है राजनीतिक योगदान। देखिए इन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाने के लिए क्या सभा एवं संस्थाओं का गठन किया जिसमें पुनः सार्वजनिक सभा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। लेकिन प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र में क्या आपका हिंदू समाज सुधार लाने का सबसे सबसे सफल प्रयास किया और प्रार्थना समाज की क्या सफलता में रानाडे की क्या भूमिका उल्लेखनीय थी। देखिए महादेव गोविंद रानाडे बन जानते हैं, रानाडे पश्चिम भारत के अग्रणी समाज सुधारक थे। रानाडे का मानना था कि सामाजिक सुधारों के बिना क्या आर्थिक व राजनीतिक उन्नति संभव नहीं है। ये महादेव गोविंद रानाडे के प्रवेश से प्रार्थना समाज को क्या नई शक्ति मिली हो गया। उसके बाद उन्होंने अपना जीवन प्रार्थना समाज के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में लगा दिया। ये वे क्या ने जो आपका महादेव गोविंद रानाडे क्या है विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापकों में से एक थे। उन्हीं की प्रेरणा से क्या दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई। इन्होंने 1887 में क्या इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इनके प्रयासों से क्या पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई और रानाडे ने भारतीय कांग्रेस क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये थे हमने प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको समझाया काफी अच्छे समझ आए। प्रार्थना समाज बस ये मोटे मोटे पर ये तो है कि इसकी स्थापना ब्रह्म समाज और क्या है किन व्यक्ति ने मिली थी ब्रह्म समाज एवं क्या केशव चंद्र सिंह की प्रेरणा से 1867 में कहा बंबई में हुई। इसका उद्घाटन आत्माराम पांडुरे ने किया। बस ये आप याद रखना है राजनीतिक विचार में क्या क्या रखना है आप किन्होंने क्यों उसका धार्मिक विचार हो गया सामाजिक सुधार हो गया और क्या शैक्षणिक कार्यक्रम में शैक्षणिक कार्य किया राजनीतिक कार्य हो गया और क्या जो प्रार्थना समाज को आगे ले जाने में महादेव गोविंद रानाडे की क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास में हमने प्रार्थना समाज को पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लास की वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें और हैव ए नाइस डे। सी यू अगेन।